हाय दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है, आनंद विहार में एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। सेम उसी प्रकार ग्रेटर नोएडा भी एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाने जा रहा है, जो कि स्काई वॉक के द्वारा प्रस्तावित रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और सड़क को जोड़ा जाएगा, जिससे आगे चलकर यात्रियों के लिए ट्रेवल करना बेहद आरामजनक हो जाएगा। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण भारत सरकार के सहयोग से बोड़ाकी के आसपास 7 गांवों की 778 हेक्टेयर जमीन पर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक हब बनाने की तैयारी कर रही है। इस दौरान यहां रेलवे टर्मिनल, अंतर्राज्यीय और लोकल बस अड्डा और मेट्रो कनेक्टिविटी की सुविधा विकसित की जाएगी। इसके परियोजना को पूरा करने के लिए जमीन अधिग्रहण का प्रक्रिया काफ़ी पहले से शुरू हो चुकी है। अगले 5 साल में इसके बन जाने के बाद पूर्वोत्तर की ओर जाने वाली अधिकतर ट्रेनों को यहीं से संचालित किया जाएगा। अभी तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के लिए यात्रा करने के लिए यात्रियों को दिल्ली, नई दिल्ली व आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर जाना पड़ता है, लेकिन इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद इससे छुटकारा मिल जाएगा और वहीं दूसरी डिपो स्टेशन से मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब तक करीब 3 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन बिछाने की तैयारी हो रही है। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब में सिर्फ यात्रियों के लिए परिवहन की सुविधा नहीं होगी, बल्कि आसपास होटलों की सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी। मीटिंग, कॉन्फ्रेंस या बिजनेस के काम से आने वाले लोग इन होटलों में ठहर सकेंगे। पर्याप्त पार्किंग की भी सुविधा हो, इसके लिए मल्टी लेवल पार्किंग भी बनाने की तैयारी चल रही है। और अगर इसके DPR की बात करें, मतलब डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के CEO नरेंद्र भूषण का कहना है कि ग्रेनो के ट्रांसपोर्ट व लॉजिस्टिक हब की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और NICDIT नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट की तरफ से गठित SPV स्पेशल पर्पज व्हीकल कंपनी IITGNL इन दोनों परियोजनाओं को अमली जामा पहनाने में जुटी हुई है। इन दोनों परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राइस वाटर हाउस कूपर नाम की कंपनी तैयार कर रही है। कंपनी ने बहुत जल्द ही रिपोर्ट सबमिट करने की उम्मीद भी जताई है। और इन तीनों चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए, जैसे रेलवे स्टेशन, बस अड्डा और मेट्रो स्टेशन को, एक स्काई वॉक बनाने का निर्णय लिया गया है। इससे यात्री रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद बस अड्डा या फिर मेट्रो स्टेशन तक आसानी से पहुंच सकेंगे। स्काई वॉक की लंबाई करीब 0.5 किलोमीटर रखी जाएगी, जिससे यात्रियों को सहूलियत हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियो को सबसे पहले जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।